सो गाइज, मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया एक और कमाल की वीडियो को लेकर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से वीडियो में सेक इफेक्ट, जूम इफेक्ट या स्पिन इफेक्ट कैसे लगा सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि आईफोन यूजर जो होते हैं अपने वीडियो में कुछ इस तरह का इफेक्ट लगाते हैं, जिससे उसका वीडियो जो है काफी आकर्षित बन जाता है और जल्दी से वायरल भी हो जाता है। तो अगर आप एक टिकटॉक क्रिएटर हो, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हो, एडिट करके वीडियो को पोस्ट करते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना। उससे पहले गाइज, मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था वी ऐप मेकर एप्लीकेशन से आप अपने वीडियो में सेक इफेक्ट या जूम इफेक्ट कैसे लगा सकते हो। तो उस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि भाई मेरे मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं कर रहा या ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं ये दूसरा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और इसमें एक दूसरा एप्लीकेशन बताऊंगा जिसमें आसानी से आप अपने वीडियो में सेक इफेक्ट या जूम इफेक्ट लगा सकते हो। तो चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं VN वीडियो एडिटर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ये एप्लीकेशन बेसिकली आईफोन यूजर के लिए था, लेकिन अब इसे एंड्रॉयड यूजर वालों के लिए भी कर दिया गया है और अपडेट के बाद जो है इसमें एफएक्स का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है, जिसके थ्रू आप शेक इफेक्ट, जूम इफेक्ट या स्पिन इफेक्ट लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद इसे आपको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे फिर से परमिशन मांगा जाएगा मीडिया को एक्सेस करने का, इसे अलाउ कर देना। उसके बाद देखो ये आपका गैलरी ओपन करेगा, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। गैलरी ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ से वो वीडियो चूज करना है जिस वीडियो पे आप सेक इफेक्ट या जूम इफेक्ट या कोई सा भी इफेक्ट लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस वीडियो को मैं सिलेक्ट करके और यहाँ एरो पे क्लिक कर देता हूँ। फिर कुछ इस तरह से यहाँ पे वीडियो आपका आ जाएगा। आपको देख सकते हो कि कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो आपको क्या करना है गाइस कि थोड़ा सा आगे जाना है और स्प्लिट कर देना है, फिर थोड़ा सा आगे जाना है, स्प्लिट कर देना है, यानी कि जितना जितना दूर पे आप इफेक्ट लगाना चाहते हो उतना दूर पे जाके आपको स्प्लिट कर देना है। तो मैं चलो इस तरह से जो है स्प्लिट कर दिया। उसके बाद यहाँ देखो आपको जिस क्लिप पे भी इफेक्ट लगाना है उस क्लिप के शुरू पॉइंट पे आना है। फिर यहाँ पे आपको एफएक्स का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना। और देखो डेमो आपको शो हो रहा है कि आप किस पे क्लिक करो तो कैसा इफेक्ट आएगा। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ इस तरह से आएगा। फिर इसके लेंथ को आप ऐसे बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। अगर छोटा रखते हो तो आपका जो है ये इफेक्ट जल्दी आ जाएगा, और थोड़ा बड़ा करते हो तो लेट से आएगा। तो मैं इस पे लगा दिया। फिर आपको जो है ओके करना है और आगे बढ़ना है। फिर दूसरे क्लिप पे जाना है, फिर से इसी शुरू पॉइंट पे आना है, फिर एफएक्स पे क्लिक करके इस बार मैं इसे लगाना चाहता हूँ, तो इस पे भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिर ओके। फिर इस तरह से देखो गाइज, आपने जितने भी क्लिप बनाए होंगे बस सेम प्रोसेस है। उसके शुरू में जाके आपको एफएक्स पे क्लिक करना है और जिस इफेक्ट को भी आप लगाना चाहते हो उस इफेक्ट को आके बड़ा या छोटा कर दो। तो मैं इस तरह से सभी में लगा लिया। इफेक्ट जैसे ही लगा लोगे लास्ट में आपको एक ब्लैक टाइप का मिलेगा, इस पे क्लिक करके और डिलीट कर देना ताकि ये वाटरमार्क आउट हो जाए। वीडियो को प्ले करोगे तो कुछ इस तरह से आपको शो होगा, जैसा जैसा आपने इफेक्ट लगाया होगा वैसा वैसा इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो बड़े आसानी से आप जो है सेक इफेक्ट, जूम इफेक्ट ये सब लगा सकते हो, जिससे कि आपका वीडियो और भी कमाल का देखने को लगेगा। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हो कि इफेक्ट लग चुका है। अब आपको जो है एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ से आपसे पूछता है कि आपको कौन सा रेजोल्यूशन रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं 720 कर दूँ तो 720 पे रहेगा, तो मैं 1080 पे ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल जो है 1080 सपोर्ट करता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो ओके का आइकन है, इस पे क्लिक कर दोगे, फिर ये जो है आपका एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप नीचे देख सकते हो एक्सपोर्टिंग हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ से टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिख के और डायरेक्ट कहीं पे शेयर भी कर सकते हो। तो मैं फिलहाल शेयर नहीं कर रहा, एक्सपोर्टिंग होने देते हैं। सो फाइनली ये वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो चुका है। अब एक्सपोर्ट जैसे ही हो जाता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेव टू एल्बम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपके मोबाइल में एक DCIM का फोल्डर है, उसके अंडर में ये वीडियो चला गया है। तो चलो मैं अब आपको MX प्लेयर में जाके और डायरेक्ट प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा वीडियो आखिर कैसा बना। तो MX प्लेयर में यहाँ देख सकते हो DCIM बोल के एक फोल्डर है, इस पे क्लिक करते हैं और फर्स्ट में ही हमारा वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है, हम प्ले करते हैं। तो वीडियो कुछ इस तरह से आ चुका है। देखो इफेक्ट काफ़ी कमाल का लग रहा है वीडियो में। आप आसानी से अच्छे से करना, थोड़ा रुक के, बहुत मज़े का वीडियो आपका बन जाएगा। तो देखो गाइस, इस तरह से इसमें इफेक्ट लगता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इफेक्ट लगाया जाता है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।